इसलिए हम इस गांव की लिस्ट में आते हैं। मेरा सौभाग्य के फोर्स में काफी लोगों से दोस्ती बनी थी, आपके कमिश्नर से की, लेकिन जो डेडिकेशन है ना इनमें है वो दूसरों में मैंने कम देखा है। सर कुछ बोलना चाहते हैं? बोलते जोरदार तालियां। सर धन्यवाद। मेरा थोड़ा 1.5 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी एक्चुअली प्रोग्राम का रूपरेखा मुझे ज़्यादा पता नहीं तो मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके आता हूँ। मुझे जुबेर भाई का, रियाज भाई का कल फोन आया था कि ऐसे एक प्रोग्राम है, मुझे लगा एक जैसे नॉर्मल हम प्रोग्राम रहता है कि जो जिसको मार्क अच्छे मिले उनका फेलिसिटेशन करने का, लेकिन एक प्रोग्राम देखने के बाद खास करके चौरसिया फैमिली का देखने के बाद एक माइंड में वर्ड आया था कि रिवॉल्यूशन कौन करता है, जब हम क्रांति बोलते हैं ना वो गरीब लोग ही कर सकते हैं। मैं जिस फैमिली से आया हूँ आपकी जैसी मेरी कॉमन फैमिली थी, मतलब मेरे तो माता पिता जी भी नहीं है, मैं जिस फैमिली से आया हूँ मैं उसका आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। लेकिन जिस टाइम में प्रिपरेशन करता था उसी टाइम में मेरे मतलब मुझे जिस टाइम उनकी जरूरत थी उसी टाइम उन्होंने मुझे खो दिया था, वो एक गलत ये था। लेकिन उसके बाद में 6 महीने तक मैं भी टोटली फ्रस्ट्रेशन के स्टेज में था कि मुझे लगता था कि मैं कांस्टेबल भी नहीं बन पाऊंगा। ये मेरे मन में ऐसे विचार आते थे कि मैं कांस्टेबल भी नहीं बन सकता था, लेकिन 6 महीने बाद थोड़ा सा वो स्टेज से बाहर आके मैं डीवाईएसपी बन गया। लेकिन आज एक डीवाईएसपी के फेज में मुझे एक टेंशन आता है कि मेरे से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गलती करने का मुझे डर लगता है, लेकिन जिसके पास कुछ खोने के लिए कुछ नहीं होता, जैसे कि आप छोटे बच्चे हो जो अभी 84 फैमिली है, उनको खोने के लिए कुछ ही नहीं है, तो वही लोग रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये लोगों को इनको ये जब 12वीं के बाद उनका लाइफ का एक टर्न पॉइंट रहता है, उस पॉइंट में उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी रहता है कि उनको 94% भिवंडी में रहकर उनके फैमिली में 3 लोग खड़ा होने के बाद आमदार से ने मुझे बता दिया कि उनका फैमिली रूम ही पैक होता है। उस सिचुएशन में उन्होंने 94% मार्क्स लाना वो बहुत डिफिकल्टी है। मुझे गारंटी है कि ये बड़ा आदमी बनेंगे। वैसे इनका भी मुझे अभी आने के बाद मुझे चौड़ा से फैमिली का पता चला, शायद ये भी फैमिली बड़ा सेम बड़ा बनेगी, मुझे उसकी गारंटी और उसका श्रेय ये कार्यक्रम का जिसका जो भी हमें क्या बोलते हैं कि एक एक पॉइंट ऐड होता है कि ये कार्यक्रम को अगर आपसे 1% भी प्रमोट मिला प्रोत्साहन मिला तो आप 99% होने के बाद ही आप 100% यशस्वी हो जाते हैं। अगर एक कार्यक्रम अगर आपके जीवन में 1% की भी प्रोत्साहन देता है तो ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसे में मान लेता हूँ। मुझे गर्व है कि आमदार साहब ने का ये जो थीम है प्रोग्राम का कि अगर सर ने आप मुझे पहले बता दिया तो मैं पहले से इसमें इन्वॉल्व हो जाता। भाई ने मुझे 2 दिन पहले बता दिया, लेकिन भिवंडी में मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शिक्षा क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, प्रोग्राम दे सकता है। तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे कार्यक्रम में बुलाया, एक फेलिसिटेशन करने का मौका दिया। मुझे गर्व लगता है कि मैं कार्यक्रम का एक हिस्सा बन सका। धन्यवाद। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।